नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र डॉक्टर RS राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मक्का की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान साथियों, अभी मक्का की जो फसल है उसमें मंजरियां बननी प्रारंभ हो गई हैं, कहीं कहीं मक्का में भुंटा भी बनना प्रारंभ हो गया। कुछ मक्का ऐसी हैं जो ज़्यादा टाइम की हैं, वो आपकी इस समय पक भी गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो इस समय पे जिन मक्का के खेतों में मंजरी बननी प्रारंभ हो गई है या मंजरी बन रही है। किसान साथियों, इस समय पे भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी इस समय पे इतनी पड़ रही है कि दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाईएस्ट नापा गया है। और इस इतनी भीषण गर्मी में अगर हम अपने खेतों में प्रॉपर नमी बनाकर नहीं रखेंगे तो काफ़ी समस्या खेत में आ सकती है। मक्का की जो मंजरी वाला समय होता है उस समय पे एक ये ऐसा समय होता है, इस समय पे अगर खेत में नमी नहीं है तो मक्का की जो भुंटा है उसमें दाना नहीं बन पाता है, क्योंकि जो मंजरी है वो शुष्क रहेगी। शुष्क रहेगी तो इसका जो पॉलन है वो आपका इधर उधर गिर जाएगा और पॉलन प्रॉपर उसका जो भुंटे पर नहीं रुकेगा। जब तक पॉलन वर्तिका पे नहीं पहुंचता है तब तक दाने भुंटे में नहीं बनते हैं। तो पॉलन जो है इसका अच्छे से वो भुंटे तक पहुंच पाए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मक्का की खेत में ये सिंचाई भी हो रही है। तो इस तरह से हमको समय समय पर अपने खेतों की सिंचाई करते रहना है, क्योंकि मक्का की जो फसल है इसके लिए अगर इस समय पर थोड़ा भी शुष्क मौसम अगर मिल रहा है, मौसम तो शुष्क है ही लेकिन खेत में अगर नमी कम है, नमी नहीं है खेत में, तो ऐसे में काफ़ी हद तक जो पैदावार है उसमें गिरावट पाई जाती है। पैदावार में गिरावट आने का मेन कारण यही है कि जो पॉलन है वो प्रॉपर आपका भुंटे पे नहीं गिर पाएगा। जब प्रॉपर पॉलन भुंटे पे नहीं गिर पाएगा तो आप देखेंगे कि जो भुंटा है उसके अंदर जो दाने हैं वो दानों की संख्या कम देखने को मिलती है। जिन खेतों में नमी की समस्या रहती है, नमी कम रह पाती है या फिर किसी कारणवश इस समय पे मक्का सूख जाती है, तो उन खेतों में आप देखते होंगे कि वहाँ जो भुंटे हैं उनमें काफ़ी एरिया खाली देखने को मिलता है, जिससे कि पैदावार पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमको समय से अपने खेतों की सिंचाई करते रहना है और नमी को बरकरार बनाए रखना है। ये विशेष ध्यान रखना कि ये पीक टाइम होता है मक्का की खेती का। मक्का की खेती में जब मंजरी बनना स्टार्ट हो जाती तब से लेके और जब तक दाने में दूध बनता है तब तक खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है, समय समय पर सिंचाई करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि खेत में हमने 8 दिन पहले पानी दिया है और अब खेत में नमी कम रह गई है, तो उस समय पे हमको तुरंत खेत की सिंचाई कर देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि कि हम अपनी जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो अच्छा निकाल पाएँ। और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए पानी के साथ साथ कुछ पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। पोषक तत्वों की अगर बात करें तो जिंक मक्का के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और जिंक की मात्रा हमारे लिए जब हमारी मक्का 45 दिन की हो जाती है उस समय पे हमको देनी चाहिए। तो वो पीरियड इस मक्का में निकल चुका है, 45 दिन में जिंक को देना अनिवार्य होता है और उसके साथ में हम यूरिया दे सकते हैं। एक चीज़ हमको याद रखना चाहिए, जिंक हमेशा जिंक सल्फेट या मोनो जिंक के रूप में देना चाहिए। जिंक को कभी भी DAP के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि DAP के साथ अगर हम जिंक देते हैं तो जिंक फॉस्फाइड बन जाती है और वो कहीं ना कहीं पौधों के लिए कुप्रभाव का काम करती है। पौधों के लिए वो अच्छा काम ना करके बल्कि उनके लिए नुकसानदायक काम भी करती है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि जिंक जब भी हम देते हैं तो हम जिंक कभी भी DAP के साथ ना दें, यानी कि फॉस्फोरस के साथ कभी भी जिंक नहीं देनी है। तो किसान साथियों, यूँ मैंने आपके लिए मक्का से संबंधित कुछ जानकारी दी और आपके लिए एक और ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि इस समय पे मक्का की जो फसल है उसमें टॉप बोरर की समस्या देखने को मिल रही है। टॉप बोरर का मतलब जो शीर्ष भाग होता है उस पर के कीट होता है, यानी कि गिडार होती है, वो आपकी मक्का के लिए नुकसान पहुँचाती है। तो टॉप बोरर की रोकथाम करने के लिए, जिसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं गोब बाली सुड़ी, तो इसकी रोकथाम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो पौधे के ऊपरी भाग को अच्छे से कवर कर पाए।
तो ऐसे कीटनाशक में हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर वो काम नहीं करेगा, तो हमें ऐसे में सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना है। सिस्टमेटिक में हम बात करते हैं, हमारे पास में सिस्टमेटिक में कोराजिन नाम से दवा आती है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इंडोस्कार्ब है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से इन चीज़ों का, इन कीटों का खात्मा करने में काफ़ी कामयाब रहती है। तो इंडोस्कार्ब के लिए हम ले सकते हैं, इंडोस्कार्ब में डेल्टा मेथिलीन और इंडोस्कार्ब दोनों का मिश्रण होता है, इसको हम ले सकते हैं। बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि दो दो तीन तीन टेक्निकल बना के और उसको कम्बिनेशन करके उन्होंने बनाए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको मक्का की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें लगातार। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही हमारे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान साथियों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।